इसको सडनली याद आया कि हाँ यार ये ऐसा कौन सा रूल है कि हम आदमियों की जो चड्डी हो Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could. मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सुबह सुबह शुरुआत होती है एक ग्लास गर्म पानी से, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और ये संडे है, आज संडे का व्लॉग है, तो आराम से सुकून से उठ तो गई थी अपने टाइम पे ही। थोड़ा सोच रही थी लेट उठूँगी, लेकिन जल्दी उठ गई। फिर मैंने फटाफट जो मेरा पानी है वो पिया, फिर चाय बनाने आ गई। और ये हमारे में मिथिलांचल में अनंत पूजा जो होता है ना, तो वो मैं अनंत जो है वो आराध्या के हाथों में बांध रही थी, क्योंकि एक दिन पहले या दो दिन पहले अनंत पूजा गया था तो मम्मी ने भेज दिया था, तो वही मैंने इसके हाथ में बांध दिया। और बाकी जो था वो मैंने फिर हस्बैंड को भी दे दिया कि आप भी बांध लो और मैं बाद में बांधूंगी। और ये रो रही थी कि मुझे नहीं बांधवाना, ये क्या होता है, आप भी बांधो। तो ऐसे कर करके जो हमारी शुरुआत थी सुबह की हो चुकी है। और संडे वाले दिन ना बहुत मतलब मुश्किल का काम होता है ब्रेकफास्ट डिसाइड करना है क्या बनाना है। वैसे तो और दिन ना खुद की मर्जी चलती है कि जो बना दो, हस्बैंड को खाना है लंच में ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई वीकेंड है, छुट्टी है, तो उस दिन थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये चीले बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, पूछ लेती हूँ एक बार उनसे, क्योंकि मुझे पता है वो चीले ही बोलेंगे। और फिर मैं आ गई किचन में और मैंने बनाए यहाँ पे चीले, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जो लंच की प्रिपरेशन है वो करेंगे। और आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जो घर का सामान है, ग्रॉसरी आइटम, वो सब भी ख़त्म हो गया है, तो कुछ शॉपिंग भी करना है तो वहाँ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ में खाना भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि अगर खाना बन जाए ना तो बहुत मतलब मेहनत का काम लगता है, कम हो गया। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स दाल, और जिसमें था अरहर, मसूर और चना। और इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार मतलब अपने ब्लॉग में डाल रखी है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने चीले की भी जो रेसिपी है वो भी बहुत बार डाल चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, तो इस वजह से भी मैंने चीले नहीं बताया। तो आज मैं बना रही हूँ सबसे आसान और सबसे ईजी, और बिहार वालों का मतलब बिहारी लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो खाना है, दाल चावल और आलू की भुजिया। तो मैंने दाल बॉयल्ड करने के लिए डाल ही दिया था, दाल जैसे ही बॉयल्ड हुआ तभी मैंने चावल डाल दिए, और इधर छौंक लगाने के लिए टमाटर प्याज फ्राई कर रही हूँ, उधर मैंने आलू की भुजिया भी डाल दिया। तो आज मैं प्रॉपर देसी खाना बना रही हूँ, चावल दाल आलू की भुजिया। और अभी आई थिंक 11 बज रहे थे तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ, क्योंकि फिर 1-1.5 बजे हमें लंच भी चाहिए। और यहाँ पे लंच वंच करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से अपना जो मेरा काम है ना वो करने, तो मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ कट करने। एक्चुअली आजकल ना मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि मैं थोड़ा सा दोपहर के टाइम ना एक नैप ले लूँ या थोड़ा सा भी रेस्ट करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई घर पर रहता है ना, वैसे अपना अपना अलग चलता रहता है, कभी खाना बनाया नहीं भी बनाया, लेकिन जब छुट्टी हो तो ब्रेकफास्ट बनाओ, खाना बनाओ, फिर इवनिंग स्नैक्स कुछ होना चाहिए, फिर रात का डिनर होना चाहिए, और प्लस में जो काम होते हैं ना वो काम भी हमें बाहर जाके करवाना है क्योंकि हस्बैंड की आज छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी है जिसकी मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है नवरात्रे आने वाले हैं, तो इस वजह से मैं उसकी प्रिपरेशन मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। और फटाफट इसको कट कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे को जाना है जो नियर बाय मेरे घर के स्टोर है उसमें, क्योंकि मुझे लेना है कुछ कुछ आइटम अपने घर के लिए। तो चलो फटाफट इसको कट कर लेते हैं पहले। अच्छा, मैं कट करने से पहले बोल रही थी कि अगर आपको ब्लाउज की जो देखना है कि ब्लाउज कैसे कट कर सकते हैं हम नॉर्मल भी इंसान, जिसको थोड़ा बहुत भी मतलब आप लोगों में से जिसको आता होगा थोड़ा बहुत आइडिया भी है स्टिचिंग का, तो आप लोग भी आराम से अपने घर पर स्टिच कर सकते हो। इसका मैंने एक ब्लॉग डाल रखा है, मैं वीडियो जो होगा
होगा आई बटन में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जो है ब्लाउज़ हम आराम से कट करके अपने घर में भी सिल सकते हैं, बहुत ईजी वे में है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम अलग से एक वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। मैं उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि अपना जो है खुद का स्टिच कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं या आप लोगों में से किसी की भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं एक अलग सा एक जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो मैं बना के और फिर अपलोड कर दूंगी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. है लगभग ख़त्म हो गई है, और जौन सा मैं साबुन ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं वहाँ से निकल गई और यहाँ पे हमने सर्फ वगैरह ले लिया, मतलब जितना भी घर का सामान था ना वो सारा ले लिया। और हमेशा की तरह शुगु का फेवरेट जगह जहाँ पे वो बैठ जाती है, तो ट्रॉली में उसने बैठना अभी तक बंद नहीं किया। हम कितने देर से बातें कर रहे हैं। हाँ एडवांस में बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेबी। क्यों बोल रहे हैं भाई? और ये ब्लॉग में जरूर जाएगा। मैं क्यों इंस्टा पे हूँ ना, इंस्टा पे तो विश करूंगी ना, और ब्लॉग में भी तो जाना चाहिए ना। अच्छा तुम देखते हो ना, कमेंट करेंगे उसमें। हाँ तुम लोग देखते हो ना, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको लाइव रिकॉर्ड कर लूं, और जब मैं अपलोड करूंगी तब तक तुम्हें फिर मिल जाएगा। बर्थडे विश मिल जाएगा बहुत सारा। हम अच्छे-अच्छे कमेंट। हाँ जरूर। और यहाँ पे ना मतलब ये आए और मेरी हंसी रुके एक मिनट के लिए भी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत हंसती है और बहुत ज़्यादा हंसाती भी है। तो बस यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और ये अपनी काफ़ी टाइम से जिसका बर्थडे था उससे बातें करी जा रही जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे शुगू की बदमाशी भी इतनी ज़्यादा थी ना, ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, बार बार बात भी नहीं करने दे रही थी। क्वेश्चन पूछ रही आपसे, मतलब उसने मेरे से पूछा, मैंने बोला किसका जवाब, इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दे रहा कि कॉल किया कि यार ये कौन सा रूल छे जे औरत आदमी के कच्चा धोते जताए चट्टी धोते। अजीब ना जवाब। कुछ बोलना चाहोगे इस पे आप? तो ये सब भाई जब मेरा मूड होता था मैं अपना धोके पहनूंगा क्या। इसने मेरा पास अच्छा है, अंडरवियर है तो धो तो देख भी नहीं हो। और इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों धोते हैं। मुंह में देख के चिपकाया होगा। नहीं मैंने बहुत दिन से मैं पहले तरह का नहीं, यही कौन रूल छे जब शादी धोते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें ऐसा सीन होता है ना कि वो बोलती है उसकी माँ आलिया भट्ट की जो माँ है उसने बोला था कि चड्डी धोते रहते सालों से, सेंचुरी से हम चड्डी धोते रहते। तो इसको सडनली याद आया कि हाँ यार ये ऐसा कौन सा रूल है कि हम आदमियों की जो चड्डी हो धोएंगे। मतलब सही में बहुत गलत, मुझे भी बहुत गलत लगता था शादी से पहले, लेकिन अब आदत हो गई, तेरे को भी आदत हो जाएगी, टेंशन मत ले। अपना अपना धो। No, God, please, no! बेटा याद रख, अभी तू ऐसा बोल रही है ना, और फिर जब तेरी शादी हो जाएगी तब पूछूंगी और तू बोलेगी हाँ यार मैं भी धोती हूँ। कभी मजा नहीं आएगा।
पहले मैं भी बोलती थी कि मैं तो कभी भी नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं ना कि अगर बाथरूम में पढ़ा रहे तो आप छोड़ सकते हो, इतने सारे कपड़े धोते हो तो आदमियों का चड्डी भी धो दो। तो अभी के लिए बहुत लंबा चौड़ा हमारा जो डिबेट है वो हो गया है इस टॉपिक पे, और अभी और होगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, बहुत जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, आप लोगों के हिसाब से ये गलत है या सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।